बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहे हमेशा खुश रहें। आज था सैटरडे, आज मुझे कोई भी काम नहीं था, सारा दिन मैं घर रहा, कहीं भी नहीं गया। घंटा पहले आपकी भाभी का व्लॉग शूट किया, वो कब सर गिफ्ट आया था ना मोहम्मद सुहान की, गिफ्ट्स की अनबॉक्सिंग की, और आज मैं आपको बड़ी स्पेशल चीज़ दिखाने वाला हूँ। आज के व्लॉग में इतनी स्पेशल चीज़ है ना कि हानिया क्या हाल हो गया, मैं आपको दिखाता हूँ। और छोटे मोहम्मद सुहान का भी ना मैं कहता हूँ आप हैरान हो जाएंगे। क्या कर रही हो? दूध पिला रही हो? हाँ, मैं तो दूध पिला रही हूँ, साथ में हानिया को देख रही हूँ। और यहाँ पे ये इतना तंग करते हैं ना हानिया। पहले हमारा एक बच्चा था और अब माशाल्लाह से दो हो चुके हैं। छोटा सा फिलहाल तंग नहीं करता। चुप करें हानिया, चुप करो, चुप। ये देखें, ये सारा दिन ऐसे ही तंग करती रहती है। हानिया तो अब काफ़ी बड़ी हो चुकी है और मोहम्मद सुहान छोटा है। जैसे ही बड़ा होता जाएगा ना, ये भी तंग करना स्टार्ट कर देगा हमें। आइए अब यही काम होता है। देखें मेरे शहजादे को मोहम्मद सुहान, और इसकी ना आज इसकी मम्मा ने ना इसका टेंड कर दिया हुआ है बिल्कुल। इसके बाल जो थे ना वो पहले वाले उतार दिए, फिर से इसके नए जमेंगे ना। तो वैसे भी ये होता है कि न्यू बेबी के ना पहले बाल जितनी जल्दी हो सके ना आपको काट लेने चाहिए, फिर दोबारा आ जाते हैं। फिर नाई का तो हमें मौका नहीं लगा, लेकिन मैंने कहा तो मैं खुद ही काट लेती हूँ। नाई को जो उसको मार नाई को जो फिर बुला लेंगे। सो रहा है मामा? सो रहा है जी, बिल्कुल सो रहा है। इसका और क्या काम है, छोटा है तो सो रहा है, बड़ा होगा तो हानि के साथ पीता है और फिर सो जाता है, दूध पीकर फिर सो जाता है। इसका काम यही है, बस ये है कि थोड़े बहुत ना यहाँ पे वो आपको कट फील हो रहे होंगे। ये ना हम, ये ना आपकी भाभी ने बनाए हैं, खुद ही मशीन से बनाए हैं। सो मशीन काफी यानी कि वो सही नहीं थी ना, सो टक आपको नजर आ रहे होंगे। कहते हैं मैं तो नाई नहीं हूँ ना, तो बेबी जो इस तरह हिलाता था तो उसके कहीं से बात ज़्यादा कट गए, कहीं से बिल्कुल रह गए थोड़े थोड़े। तो मैंने कहा अभी से ज़्यादा तंग नहीं करते, तो बस जैसे कट गए हैं कट गए हैं। नाई को बुलाएंगे जब इसके बाल थोड़े और निकल जाएंगे ना, फिर एक ही दफ़ा नाई सेट कर देगा। मोहम्मद सुहान के साथ साथ ये रही हमारी हानिया। देखें जी हानिया का टेंट। हानिया यहाँ पे देखें ना, अरे यहाँ पे देखें, शर्मा रही है। हानिया शर्मा रही है आज बहुत। हानिया मेरे पास आओ, बाबा नहीं हो आपका, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, मेरे पास नहीं आना है। वो इतनी प्यारी लग रही है ना अभी, इतने बड़े बड़े बाल थे इसके। शुक्र है कि हमने ना इसके बाल काट दिए हुए हैं अभी। वो बड़े बड़े बाल ना मैंने अपने बहुत शौक से रखे थे, मैंने कहा मेरी बेटी जो है पोनिया लगाएगी, प्यारी लगेगी। क्यों लगाती तो वो है नहीं, लगाती नहीं थी, इसलिए मैंने उसको पकड़ के इस मोहम्मद को सुहान को तो कर दी थी, लेकिन उसको भी साथ में कर लिया। बड़ी सही लग रही है अभी। मैं ना दो तीन माह में फिर से बाल आ जाएंगे। बड़े लोग कहते हैं कि उस चीज का अरमान करना चाहिए जो दोबारा पहले ना। वो कह रही मेरी वीडियो ना सुनने दो। बहुत तंग करती है, शैतानियां करती है। ये देखें अब, अभी ये देखेंगे मोहम्मद सुहान की ये छोटी छोटी गद्दियां कहाँ पे फेंकूंगी इसने। अच्छा भैया को तो अच्छा, मुझसे काफी सारे सब्सक्राइबर पूछ रहे थे, काफी सारे कमेंट आते हैं हमें डेली के आपका बेबी फाइनली बता दें किस पे गया है। सो मैं आज आपको फाइनल बता रहा हूँ, आज के बाद नहीं बताऊंगा कि किस पे गया है। वैसे तो बेबी काफी सारे वो मतलब कहते हैं रंग निकाल लेता है, लेकिन अभी फिल वक्त जो है ना अपने बाबा पे गया है, मुझ पे गया है। सेम टू सेम मुझे देख लें और बेबी को देख लें, सेम वैसे है। लेकिन आपने फिलहाल बेबी नहीं देखा, सो आप जज नहीं कर पाएंगे। जब दिखाएंगे ना तो आप देख लीजिएगा कि सेम टू सेम ना मेरे ऊपर ही गया हुआ है। ये सो गाइस, खाना आ चुका है और खाने में हमने आज बनाया है गोश्त। तुम नहीं खा रही? नहीं। क्यों? मैंने बाद में खाना। साथ में खा लेते हैं, फिलहाल मैं फूल हूँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले खाया था। एक्चुअली में ना हमने अभी 4 बजे चावल खाए थे और चावलों से पेट काफ़ी मतलब भर लिया था हमने ना, तो थोड़ी सी गुंजाइश है जो कि मैं अभी थोड़ा सा खाना खा लेता हूँ, बाकी तो कोई गुंजाइश नहीं हुई। क्या देख रही है? मेरे साथ खाना खा लो, आ जाओ। वो तो नहीं आ रही, मैं तो खाना खा लूँ, तुम भी नहीं आ रही? नहीं। ठीक है। सो ओके गाइस, व्लॉग बनाने के लिए मैं दूसरे रूम में आ गया हूँ। वहाँ पे टीवी चल रहा है और सब फैमिली जो है वो वहीं पे बैठी हुई है, तो वहाँ पे काफ़ी शोर था। अच्छा, मुझे आप लोगों से ना एक चीज़ बात एक पूछनी थी, वो बात ये है कि मैं लेना चाह रहा हूँ लैपटॉप। लैपटॉप मेरे पास ऑलरेडी आईफोन है, तो
आईफोन को देखते हुए मुझे लैपटॉप में से मैकबुक लेना चाहिए या फिर नॉर्मल डेल हो गया, एचबी हो गया, मतलब इस तरह के कफ सारे ना हायर बहुत सारे हैं। सो बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस लैपटॉप के साथ अच्छा नहीं रहा, ये जो लोकल होती है ना, मेरा चैनल पिछली दफ़ा हैक मतलब हैक हो गया था, पार्क विलेज फूड वाला, वो आप लोगों को पता होगा ना। सो कौन सा लैपटॉप बेस्ट रहेगा आईफोन यूज़र के लिए? मेरे ख्याल से जहाँ तक मैंने रिसर्च की है कि मैकबुक इज़ द बेस्ट फॉर आईफोन यूजर्स, बिकॉज उसमें ना काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है कि आप जो मर्ज़ी डाटा शेयर कर लेना। सो चुटकियों में होता है ऐसे, लेकिन बाकी अगर कोई आप लैपटॉप लेते हैं और साथ में आपका आईफोन है तो काफ़ी स्लो ट्रांसफरिंग होती है ना उनकी। सो यही एक बात पूछनी थी आप लोगों से, इसे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा।